श्री हरसिद्धि माता शक्तिपीठ माता सती के 52 शक्तिपीठों में 13वां शक्तिपीठ कहलाता है। हरसिद्धि माता का मंदिर उज्जैन में स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह महाकाल मंदिर के एकदम पास में ही है। जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये जो आपको 2 दीप स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, इन पर एक पर 500 दीप और दूसरे पर 501 दीप यानी कि टोटल 1001 दीप जलाए जाते हैं। कब जलाए जाते हैं? नवरात्रि और अन्य विशेष अवसरों पर। तब यहाँ का नज़ारा बेहद अविस्मरणीय होता है। नवरात्रि के 9 दिन प्रतिदिन सुबह और शाम को यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास वहर पर्वत पर और जहाँ सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोनी जाकर गिरी थी, यहीं पर हरसिद्धि माता का मंदिर स्थित है। देश भर में हरसिद्धि देवी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन स्थित हरसिद्धि माता का मंदिर सबसे प्राचीन है। यहाँ दुर्गा से संबंधित भव्य यज्ञ और पाठ का आयोजन होता है। शाम को यहाँ पर भव्य आरती भी होती है। कहा जाता है यह स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है। महामाया अखंड ज्योति, उनमें से एक हरसिद्धि देवी भी है। कहते हैं चंड और मुंड नामक 2 दैत्यों ने अपना आतंक मचा रखा था। एक बार दोनों ने कैलाश पर्वत पर जाकर कब्जा करने की योजना बनाई और वहां पर पहुंच गए और जबरन अंदर घुसने की कोशिश करने पर शिव के नंदीगण ने जब उन्हें रोका तो उन्होंने नंदीगण को घायल कर दिया। शिव जी को जब यह पता चला तो उन्होंने तुरंत चंडी देवी का स्मरण किया। चंडी देवी ने शिव जी की आज्ञा पाकर दोनों का वध कर दिया। तब शंकर जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंडी, आपने दुष्टों का वध किया है, अतः लोक ख्याति में आपका नाम हरसिद्धि के नाम से प्रसिद्ध होगा। तभी से इस महाकाल वन में हरसिद्धि विराजित है। उस समय ये दोनों दीप स्तंभ बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने 11 बार अपने शीश को काटकर मां के चरणों में समर्पित किया था, लेकिन हर बार देवी मां उन्हें जीवित कर देती थी। मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति है वह एक प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, न कि किसी ने बनाई है। उस पर हल्दी और सिंदूर की परत चढ़ी हुई है। खिला दिया।